अस्सलाम वालेकुम, इट्स आवर सेकेंड लेक्चर। इसके अंदर हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो लास्ट टाइम सॉल्व करने का मेथड डिस्कस किया था, उससे रेलिवेंट हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी कि हम लोग वन बाय वन किस तरह से डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि आपके पास प्रॉब्लम है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन विद जी इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यूजिंग द इनिशियल कंडीशन एट टी इज इक्वल टू जीरो, जो वाई है इज इक्वल टू एच है एंड टी इज इक्वल टू जीरो जो है वो वाई इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जीरो फ्रॉम एच। वही यहाँ पे हम लोग फाइव कर सकते हैं या आप जो भी इनिशियल कंडीशन रखना चाहें वो कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टेप के अंदर क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल इक्वेशन हमें ड्राइव करना बताना पड़ेगी कि जो जी होता है वो आपके पास डबल डेरिवेटिव होता है, एक्सलरेशन जो है वो डबल डेरिवेटिव है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास डी सॉल्व की इक्वेशन आ जाएगी। डी सॉल्व की इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करवा देंगे। उस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी मूविंग बॉडी की, जो कि अंडर ग्रेविटी फॉल कर रही होगी। सो उसके बाद हम लोग जी की वैल्यू को रिप्लेस करवाएंगे, और इनिशियल कंडीशन पुट करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। उन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे, और कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यूज आएंगी उसको हम लोग वाई टी और वी टी के अंदर रिप्लेस करवाएंगे, और देन उनका ग्राफ प्लॉट करवा देंगे। लेट्स सी आपके पास आंसर जो है वो किस तरह का आएगा। मैं डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसकी आउटपुट को देखेंगे कि हम लोग क्या आउटपुट चाह रहे हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा लाइक दिस कि डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन होगी, सेकेंड डेरिवेटिव वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जी के इक्वल होगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो उसको हम लोग डी सॉल्व की कमांड के जरिए सॉल्व करेंगे फॉर द फंक्शन वाई ऑफ टी विद फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी। और उसके अंदर जो सोल्यूशन आपको याद होगा, आपके पास लिस्ट ऑफ लिस्ट है, सो उसकी फर्स्ट वैल्यू को किससे रिप्लेस करवा देंगे वाई ऑफ टी के अंदर, और वो आपके पास वी टी वाई टी होगा, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव वी टी के इक्वल जी की वैल्यू को रिप्लेस दोनों इक्वेशंस के अंदर। एंड देन आपके पास इनिशियल कंडीशन है टी इज इक्वल टू जीरो, आपके पास फाइव है, और टी इज इक्वल टू जीरो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आपके पास जीरो के इक्वल। इन दोनों इक्वेशंस को सी वन और सी टू के लिए सॉल्व किया तो आपके पास कॉन्स्टेंट्स आ गए। कॉन्स्टेंट्स को हम लोग जो है जो सॉल्व किया था उनको रिप्लेस करवा देंगे वी टी और वाई टी के अंदर, और उनको हम लोग टी 0 से 10 के लिए उनको क्या करेंगे प्लॉट करवा लेंगे। सो आपके पास जो प्लॉट का आंसर आएगा वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ब्लू लाइन इज द डिस्प्लेसमेंट एंड येलो लाइन इज द वेलोसिटी। सो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। लेट्स सी कि अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो अगेन कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि हम लोगों के पास सपोज कर लें कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज़ सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द इनिशियल कंडीशन एट टी इज इक्वल टू जीरो। उसमें फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते वक्त देख लेते हैं। उसकी इनिशियल कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, सो लेट्स सी कि उसका जो आपके पास ग्राफ है ये जस्ट लाइक वो बाइसिकल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें हम लोग प्रेशर और मास और फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है उसको सॉल्व कर रहे हैं। सो जब इसको सॉल्व करेंगे अगेन यहाँ पे देखें पी और मास की वैल्यू को रिप्लेस करवाया है, बाकी सारे का सारा प्रोसीजर आपके पास एज इट इज ही है। सो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ है। आप इसको स्केल को बुलाएंगे, ये बिल्कुल वही ग्राफ आ रहे हैं अगर आपको याद हो जो हम लोगों ने सिमुलेशन के अंदर प्लॉट किए थे। सो सिमिलरली अनदर एग्जांपल टू सॉल्व दिस टू प्रैक्टिस दिस सिनेरियो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग सिनेरियो। सो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। होपफुली
होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स कि हम लोगों ने दो तीन एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए, सो इससे रेलिवेंट आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो होपफुली आप लोगों को इसमें जो भी मसला होगा आप लोग डिस्कस कर लेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी वो व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लें, उसको हम लोग एड्रेस कर लेंगे।